नेक्स्ट क्वेश्चन में वन मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो देखो इसमें कह रहा है कि ए ऑप्शन में प्रोसेस वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये बताओ कि प्रोसेस वन, ध्यान से देखो दिख ही रहा है प्रोसेस वन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो प्रोसेस वन आइसोकोरिक तो नहीं है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कह रहा है इन प्रोसेस टू गैस एब्जॉर्ब हीट। तो देखो प्रोसेस टू में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, प्रोसेस टू में ध्यान से देखो तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग है, तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि डब्ल्यू पॉजिटिव है। तो अगर डब्ल्यू पॉजिटिव है तो क्यू भी पॉजिटिव होगा, तो यानी गैस एब्जॉर्ब हीट सही है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इन प्रोसेस फोर गैस रिलीजेज हीट। तो देखो प्रोसेस फोर जो है वो टू का जस्ट अपोजिट है, तो इसका मतलब उसमें गैस रिलीज हो रही होगी, तो ये सी वाला ऑप्शन भी सही है। और कह रहा है कि वन एंड थ्री आर नॉट आइसोबारिक। तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि टी प्रोपोर्शनल टू वी होना चाहिए, यानी जो भी ग्राफ होना चाहिए वो पासेस थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। तो वन और थ्री वो पासेस थ्रू ओरिजिन नहीं है, तो दे आर नॉट आइसोबारिक। तो बी सी डी तीन ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें।